देंगे कि ऊपर से पानी देंगे, उसे बचाने के लिए खाने के साथ पानी में घूम गया और उस लड़की को बचा लिया। उसे ऊपर लाने के बाद देखा कि वो लड़की मर गई। कल सुबह शादी और तुमने आज ऐसा क्यों किया? इस शादी से बचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। किससे पूछ कर ये फैसला किया गया? तुम लोग आपस में तय कर लोगे क्या? अब मैं तुम्हारे नाम पर मर्डर सुना रही हूँ। मैं से क्या देखकर शादी करूँ तुमसे? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी उंगली पकड़ कर साफ कदम भी नहीं चल सकती। मेरे फ्रेंड्स भी तुम्हारा परिचय करवा रहे, तुम इंग्लिश का एक शब्द नहीं समझ पाओगे, कैसे बात करोगे उन सबसे? माधवी तुम कैसी बात कर रही हो? इतने साल तुम और भानु आपस में बातचीत नहीं करते रहे, खुशी से घूमते नहीं रहे? उस घर के कुत्ते के साथ भी घूमती थी मैं और खुश रह रही थी। तो फिर क्या उसके हाथों से मंगलसूत्र पहन लो? तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनने से अच्छा है कि मैं घर के साथ ही पसंदा लगा लूं। खांसी लगने वाली होती है तभी उसकी आगे बारे पूछी जाती है। पहले तो भानु के किए गए काम बड़े साहब को पसंद नहीं आते, लेकिन इस घटना के बाद भानु ही उनकी नजर सुलझ गया। उनका बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा नाकारा है ये सोचकर नजरअंदाज करने लगे। लेकिन भानु अपने पिताजी को अपने मन में एक भगवान का दर्जा देता है, उनका सर झुकना नहीं चाहिए इसलिए अपना सर झुका लीजिए। इस हकीकत नहीं है बड़े साहब, उसने जिस लड़की को मना किया था उसकी शादी उसकी आंखों के सामने एक इंजीनियर से धूमधाम से करवा दी। लेकिन आवेश में तुमसे सब कुछ नहीं, गलती से भी ये बात कभी